सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके आ गया हूँ मैं एयर नाइट की अनबॉक्सिंग, कह लो कुछ भी कह लो, एयर नाइट के साथ कोगनाइट की भी साथ में करूँगा। तो ये है कोगनाइट या क्या भी कुछ भी कह लो इसको। तो ये बेबलेड है और एक ये बेबलेड है, दोनों एक ही बेबलेड के सेकेंड जनरेशन है। ये मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो अभी इनका देखते हैं दोनों का ही क्या रहता है। ये बेबलेड काफ़ी हल्का है और थोड़ा एरोडायनामिक भी है, तो ऊपर की और इसका थोड़ा झुकाव रहता है। तो अभी देखते हैं कि दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म करता है। तो एयर नाइट का तो बुरा हाल शुरू से ही हो गया, कोगनाइट उसको हराते हुए। दोनों ही सेम टाइप के हैं, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। अभी एयर नाइट की थोड़ी लॉन्चिंग स्पीड थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी। 1 2 3 यार क्या ही चल रहा है यार, वैसे तो काम चलेगा। तो 1 2 3 तो इस बार होने वाला है अच्छा खासा मुकाबला। दोनों ही स्टैमिना टाइप हैं तो इतना कुछ उम्मीदें नहीं कर सकते। तो मैं एक्सकैलिबर को बीच में करूंगा अगली बारी, इस बार तो हो गया इनका, नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सकैलिबर को। तो अभी फिर से लॉन्च करना शुरू करते हैं। चलो भाई कोगनाइट क्या हो गया यार, इनको चेंज करने वाला हूँ बस। एक्सकैलिबर की बेइज्जती होते हुए तो एक्सकैलिबर के साथ फाइट करके देखते हैं एक कोगनाइट की और फिर एयर नाइट की। पहले कोगनाइट फिर एयर नाइट। तो फुल स्पीड और फुल स्पीड एक्सकैलिबर की, अभी पता चलेगा कौन है बेस्ट। तो एक्लिस नहीं, एक्लिस कह रहा हूँ, एक्सकैलिबर तो ऊपर ही बन रहा है। ओ भाई साहब, एक टक्कर में ऊपर फेंक के मारा है। तो अखिलेश जीत नहीं, अखिलेश नहीं, एक्सकैलिबर जीत गया। अभी करते हैं एयर नाइट से। तो एयर नाइट कम ऑन, तो एयर नाइट को तो अंदर ही नहीं आने दे रहा, ऊपर से ही भगा रहा है। अंदर कोई फायदा नहीं है नाइट का कुछ नहीं हो सकता ये नाइट का। तो चलो एक काम करते हैं, ये नाइट को इसे लॉन्च करके देखते हैं क्या ये फ्लाई कर पाएगा। तो फ्लाई तो नहीं किया, स्पीड जरूर गेन कर ली। एक्सकैलिबर भाई किसी को नहीं टिकने देता बीच में। ये बेबलेड बेस्ट बेबलेड है अटैक में, गोल्डन वर्जन है ये इसका, मेरे पास वो भी है, गोल्डन भी है। तो गाइस कैसे लगे दोनों बेबलेड कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।